लेकिन सी डी ए ने जो फोर्स इवैक्यूएशंस की है, इससे क्लियर है कि जो पूरी इधर की डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया है वो तलबा के खिलाफ यूनाइटेड है और वो नहीं चाहते कि तलबा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, पीसफुल मार्च भी उधर से नहीं करके इधर वापस आ सकते। बहन आपका मुतालबा क्या है, क्या मुतालबा आप लोग लेके आए हैं? हमारा मुतालबा ये एक तो ये कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट कराई दिया जाए, तलबा की आवाज़ है आप उनको नहीं दबा सकते इस तरह से, और इधर बेसिक हाउसिंग का इशू है। ये फीमेल स्टूडेंट्स हैं, दूर दराज इलाकों से आती हैं, वर्किंग क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, साथ जॉब्स करती हैं, वो नहीं उधर हॉस्टल सिटी के साइड पर फजलुर रहमान जिसके भी कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाने और हमारी रेजिडेंसी कमर्शियल करार दी। अच्छा मैडम, आपके स्टूडेंट्स कुछ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सी डी ए की जानब से आप लोगों के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, क्या जुल्म ज्यादती हुई है सी डी ए की जानब से? दो हॉस्टल्स नोटिस के बगैर सील किए गए हैं, वहाँ से फोर्सिबली फीमेल स्टूडेंट्स को भी इवैक्यूएट किया गया, उनको अपनी बिलोंगिंग्स उठाने का भी नहीं टाइम दिया गया, और ये मिड टर्म एग्जाम्स के ड्यूरिंग था। अभी इलेक्शन साइकिल से पहले सबसे आसदान आके नौजवान नौजवान ये नारे लगाएंगे, लेकिन कोई भी इधर हमारे साथ खड़े होने को रेडी नहीं है, और इधर कोई हम किस कानून पर हम भरोसा करेंगे, कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा, इवन पुलिस इधर हमें रोकी जा रही है। अच्छा बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, आप लोगों को फीमेल्स को रोकने के लिए लेडी कॉन्स्टेबल नहीं है, और आप लोग इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं, तो आप क्या समझ, लेडी कॉन्स्टेबल को होना चाहिए था यहाँ पे? बिल्कुल होना चाहिए, इंतहाई गैर मुनासिब है कि मेल जो प्लेस है वो हमारे से इस तरह से बहुत हार्शली डील कर रही है, और वापस लेडीज कॉन्स्टेबल नहीं है जो कि हक से रोक रही है स्टूडेंट्स को। हाँ पुलिस उनको बोला, थोड़ा सा लॉ के बारे में बताओ। अभी बाएं दाएं जाने देखा जाए तो एक सियासी पार्टी जो है एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, उनको तहफ़ दिया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया, आपको आपको धमकियां दी जा रही, क्या वजह है? कहीं आप लोग ये दहशत गर्द तो नहीं, आप लोग आजकल तो ये दहशत गर्दों वाला लेबल लगाया जा रहा है स्टूडेंट्स को भी? वही तो मैसेज ट्रीट के जैसे जैसे हम बम ले खड़े हैं इधर, कर ले ये जो करना है, अब हम भी फिर अपना वो करेंगे, हम अपना करके दिखाएंगे जैसे हम कर रहे हैं। यानी आप लोगों को आपने बैठने ही यहाँ पे? बिल्कुल, ये संकट की सिचुएशन है जी, स्टूडेंट्स को आगे नहीं दिए जाने दीजिए, और उन्होंने फैसला किया कि यहाँ जो है अपना एहतजाज कंटिन्यू रखेंगे, और इस वक्त ये एक धरने की सूरत में यहाँ पे बैठने जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ पे बैठ जाएंगे जब तक हमारा जो है एहतजाज कंप्लीट नहीं होगा, और हम लोग यहाँ से नहीं जाएगा, अगर हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो हम लोग भी यहीं पर धरना दे के बैठ जाएंगे। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।